नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मोहन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि गंगा नदी कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है। इसके पहले वीडियो में हमने गंगा नदी को इलाहाबाद तक ही छोड़ा था, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण उसे छोटा किया गया था। आज हम इलाहाबाद से गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है और उसमें कौन कौन सी सहायक नदियां आकर मिलती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग अच्छे तरीके से उसे देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर है, जैसे एसएससी, यूपीएससी एवं और भी सभी तरीके का एग्जाम जो है उन सभी के लिए बहुत ही बेहतर है। तो आज हम जानेंगे अब कि गंगा नदी कहाँ से निकली है, कहाँ तक आई है, उसके बारे में क्लियरली रूप से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके पहले वीडियो में जो गंगा नदी इलाहाबाद तक छोड़े थे, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लेंगे। और हाँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छी नॉलेज और अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो देखते हैं आगे की ओर। जैसे गंगा नदी जैसे ही इलाहाबाद के पास पहुंचती है, तो यहाँ से आगे की ओर बढ़ने के लिए ये जमुना नदी और गंगा नदी का बाटर जो होता है वो मिल जाता है और वो अपनी जलधाराओं को आगे की ओर बढ़ाती है। उसमें आप ध्यान देंगे फुल्लर लेक जिसका जिसको का यानी कह सकते हैं फुल्लर झील। ये फुल्लर झील आकर यहाँ से यानी गंगा नदी वाराणसी से आगे की ओर बढ़ती है गाजीपुर में, तो फुल्लर झील से एक गोमती नदी, कौन सी नदी, गोमती नदी आगे की ओर बढ़ती है और अपना जलधाराएं गंगा नदी में गिरा देती है। गोमती नदी की भी जलधाराओं को लेकर गंगा नदी जब आगे की ओर बढ़ती है तो ये यानी कहां, तो आपकी काली नदी, एक बात ध्यान दीजिएगा, काली नदी को ही शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी और काली नदी ये कौन सी ग्लेशियर से निकली है, तो काली नदी और शारदा नदी ये मिलाप ग्लेशियर से निकली है। मिलाप ग्लेशियर से ये शारदा नदी और काली नदी आकर उसके बाद फिर इसी नदी में घाघरा नदी आकर मिलती है, जिसको करनाल या भारचा चुंग ग्लेशियर, कौन सी ग्लेशियर, करनाल और भारचा चुंग ग्लेशियर से आकर मिलती है। भारचा चुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी, जिसको करनाल नदी भी कहा जाता है, घाघरा नदी का दूसरा नाम करनाल नदी है और शारदा नदी का दूसरा नाम काली नदी है। तो ये घाघरा नदी आकर करनाल नदी में यानी शारदा नदी में काली नदी में मिल जाती है और ये दोनों अपनी जलधाराएं बक्सर और छपरा की ओर बढ़ते हुए गंगा नदी में आकर मिल जाती है। देख, ध्यान देना दोस्तों, ये आगे की ओर जैसे ही नदियां बढ़ती है, गंगा नदी अपने जलधाराओं को लेकर जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, तो ये नदी बिहार के जिला पटना में एक जिला पटना जो है, पटना में आकर सबसे पहले यहाँ सोन नदी मिलती है। सोन नदी पटना में आकर गंगा नदी में प्रवेश हो जाती है। मित्रों ये ध्यान दीजिएगा, सोन नदी कहाँ से आती है, तो सोन नदी अमरकंटक पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक पर्वत श्रेणी से सोन नदी आकर गंगा में मिल जाती है।
एक बात और ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, गंगा नदी में सोन नदी आकर मिलती है, तो एक क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि कौन भारत में कौन सा ऐसा स्थान है जहां से दो नदियां निकलती है और दोनों एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे के विपरीत बहती है। तो एक नर्मदा नदी है और एक सोन नदी है जो कि एक ही स्थान से निकलती है, अमरकंटक पर्वत के क्षेत्र से ही निकलती है और एक ही स्थान से यानी एक ही सिद्ध में एक दूसरे के विपरीत बढ़ती है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अमरकंटक पर्वत श्रेणी है, इस अमरकंटक पर्वत श्रेणी से ये नर्मदा नदी निकलती है जो कि अरब सागर में अपना जल धाराओं को गिरा देती है, और साथ ही साथ ये सोन नदी जो है निकलती है और ये यहाँ गंगा नदी में आकर यानी इसके विपरीत जस्ट विपरीत ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सोन नदी यहाँ पटना में आकर मिलती है। इस सोन नदी में, इस गंगा नदी में एक नदी और भी आकर मिलती है जो पटना में ही पुनपुन नदी आकर मिलती है। आप ध्यान दीजिएगा, ये पुनपुन नदी आकर पटना में मिलती है, उसके बाद फिर इन दोनों जलधाराओं को गंगा नदी आगे की ओर बढ़ाती है और अपनी जलधाराओं को विस्तृत करते हुए जैसे ही ये सोनपुर पहुंचती है तो नेपाल के तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम है गंडक नदी। नेपाल से गंडक नदी आती है और सोनपुर में, ध्यान दीजिएगा, सोनपुर में नेपाल से गंडक नदी आकर सोनपुर में गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। फिर आगे की ओर ये नदी अपनी जलधाराओं को बढ़ाती है और एक जलधाराओं को बढ़ाने के बाद फिर ये नदी आपका कोसी यानी जिसका नाम है सप्तकोसी नदी। ये सप्तकोसी नदी आकर के गंगा में मिल जाती है। सप्तकोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है मित्रों? तो ध्यान दीजिएगा, सप्तकोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम है। कहाँ है? गोसाई धाम। जैसे ही ये गंगा नदी से सप्तकोसी गोसाई धाम से निकलती है और गोसाई धाम ग्लेशियर ग्लेशियर से निकलती है और आगे की ओर बढ़ती है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसे बिहार के शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में द सौरो रिवर ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? तो द सौरो रिवर ऑफ बिहार इज नोन एज कोसी यानी सप्तकोसी नदी, सप्तकोसी रिवर है। अब ये सप्तकोसी रिवर कटिहार में आकर के अपनी जलधाराओं को गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है। जैसे ही एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये सप्तकोसी नदी हमेशा सौरो क्यों कहा जाता है? सप्तकोसी नदी हमेशा सौरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बहने की जो एरिया है, इस नदी की बहने की जो एरिया है, वो एरिया अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये नदी कब किस साइड से आ जाती है, उसमें कोई अब तक पता नहीं चला है। ये सबसे ज्यादा बिहार की सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी है, इसीलिए इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि इस नदी को कैसे किस प्रकार से रोका जाए, इस नदी परियोजना को किस प्रकार से बनाया जाए। एक बात और ध्यान देंगे कि
हमारे यहाँ जो कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों को बिहार में, खासकर बिहार में या नहीं लाया जा रहा है। इसका मेन मुख्य कारण है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाता है, यानी दहाड़ आ जाता है। दहाड़ आने के कारण कंपनी को बहुत नुकसान होता है, इसके कारण बहुत सारी कंपनियां बिहार आना नहीं चाहती है। इसके लिए मित्रों, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि गवर्नमेंट के पास हमारा वीडियो जाए और ये पता चल सके कि ये यानी हमारे यहाँ जो संस्थान हैं, हमारे यहाँ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उसको विस्तृत किया जाए और ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़ सकें और हमारा एरिया, हमारा स्टेट अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाए। आप ध्यान देंगे कि जब मेक इन इंडिया बनेगी तो इसके लिए इन सभी चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट को हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है। अब देखते हैं आगे की ओर। ये सप्तकोसी नदी कटिहार में आकर मिलती है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है और नेपाल के क्षेत्र से ये गाद भी लाती है। इसका उद्गम स्थल गोसाई धाम ग्लेशियर है। अब ध्यान देंगे आगे की ओर, जैसे ही बढ़ते हैं तो यानी साहबगंज के बाद ये नदी आगे की ओर बढ़ती, साहबगंज के बाद बढ़ते हुए गंगा नदी आगे की ओर जाती है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे गोदारी घाट के पास दार्जिलिंग हिल से, यानी दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी, दार्जिलिंग हिल यानी दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी आगे की ओर बढ़ते हुए या गोदारी घाट में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। उसके बाद ये नदी कुछ आगे की ओर बढ़ती है और फरक्का में, ध्यान दीजिएगा, फरक्का में ये नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस भी उठता है कि गंगा नदी की कौन सी ऐसी नदी है जो कि पित्रिका है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। हम लोग बहुत सारी नदियां जो सहायक नदियों को देख चुके हैं, जो कि गोमती नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, सप्तकोसी नदी, महानंदा नदी, सोन नदी, ये सब नदियां, पुनपुन नदी, ये सब नदियां गंगा नदी की सहायक नदी है और एकमात्र गंगा नदी की एकमात्र वितरिका है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, जिसका नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी, जो कि कोलकाता में, जो कि कोलकाता में है। ये हुगली नदी फरक्का से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, यानी गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज कोलकाता से यानी फरक्का से होती है। तो और ये गंगा नदी अपनी एक जलधाराएं बांग्लादेश में प्रवाहित करती है फरक्का से, और दूसरी जलधाराएं कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल, कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल से प्रवाहित होती है, और उसके बाद फिर वे ऑफ बंगाल, जिसको बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी के कोस्टल क्षेत्र में जाकर ये नदी अपना बहुत सारी डेल्टा बनाती है, और बहुत सारी डेल्टाएं बनाकर ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, हुगली नदी की वाटर। उसके बाद फिर फरक्का से जो कटी हुई नदी है, इसे जैसे ही ये बांग्लादेश में, गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानी जाती है,
तो घबराएंगे नहीं, डायरेक्ट टिक लगाएंगे पद्मा नदी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं और उसके बाद फिर ये नदी, इस नदी में एक और नदी मिलती है, हमारे देश की महान नदी, तीन महान नदियों में से एक नदी गंगा में आकर मिलती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये बांग्लादेश में आकर मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में आकर मिलती है, जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में इंटर करती है तो इस नदी का नाम जमुना पड़ जाता है। कौन सी? जमुना नदी। कौन सी नदी? जमुना नदी नाम पड़ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ना कि यमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिलती है, यानी पद्मा नदी से मिलती है, तो उसके बाद ये नदी आगे की ओर बढ़ जाती है और आगे की ओर ग्रोथ करने के बाद फिर इस नदी का ग्रोथ मेघना नदी के में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में मिलती है, तो उसके बाद इस नदी का नाम मेघना नदी पड़ जाता है और मेघना नदी के बाद ये नदी सुंदरवन डेल्टा का में प्रवेश कर जाती है, यानी बहुत बड़ी डेल्टा बनाती है। और ये नदी बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे वीडियो को आगे की ओर अग्रसर करें, ताकि हमारा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे और हमारा कोर्सेज आपके साथ बना हुआ रहे। धन्यवाद।